हापुड़ में मनाई गई पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर का 100वां जन्मदिन कांति प्रसाद धर्मशाला स्वर्ग आश्रम रोड हापुड़ में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विनीत शारदा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा मोहन सिंह, जिला महामंत्री पवन गर्ग, उत्तरी मंडल अध्यक्ष ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आयोजन किया। मुख्य अतिथि विनीत शारदा ने बताया कि कर्पूरी ठाकुर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ साथ कुशल शिक्षक व बड़े राजनीतिक के रूप में जाने जाते थे। वे बिहार के दोबारा मुख्यमंत्री रहते तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कराया। तो वहीं जिला महामंत्री मोहन सिंह ने बताया कि कर्पूरी ठाकुर एक ईमानदार और काफी सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने पिछड़ा वर्ग को इकट्ठा करने एवं हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार तथा समाजवादी विचारों को जन जन तक पहुँचाने में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। इन्होंने 1975 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल का घोर विरोध किया था। जेल जाने के बावजूद कभी हार नहीं मानी। सर, आज आप यहाँ पे आए हैं, उसका क्या मतलब? देश के बहुत बड़े नेता रहे, जन नायक रहे, बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री, ऐसे व्यक्ति थे, परम आदरणीय परम पूज्य कर्पूर जी ठाकुर साहब का 100वीं जयंती के शुभ अवसर पर सैन समाज के द्वारा जो भव्य कार्यक्रम रखा गया, उसमें मुझे सैन समाज ने बुलाया, सम्मान किया, इसका मैं सैन समाज का तहे दिल से अभिनंदन आभार प्रकट करता हूँ। और मैं कह सकता हूँ कर्पूरी ठाकुर साहब भारत के जननायक थे, बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, अपने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने जीवन काल में उन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा नहीं, उन्होंने कभी भी राजनीति से किसी का अपने परिवार को कहीं कोई लाभ नहीं लिया, ना लाभ होने दिया। ऐसे व्यक्तित्व के धनी का ये विश्व के सबसे बड़े राजनेता, देश के जननायक, देश के लोकप्रिय जनप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी एवं NDA सरकार के द्वारा और देश की राष्ट्रपति जी ने जो कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया, इसके लिए देश की राष्ट्रपति महोदया और देश के प्रधानमंत्री जी का अपनी ओर से, अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ओर से और सैन समाज की ओर से, वैश्य समाज व्यापारी वर्ग की ओर से तहे दिल से अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद पारित करें। उत्तरी मंडल अध्यक्ष पवन गर्ग ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान व सुशील मोदी के राजनीतिक गुरु भी थे। इन्होंने 1977 में सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्ग के लोगों में आरक्षण की व्यवस्था की थी। उन्होंने कहा कि एक साधारण से नाई परिवार में गोकुल ठाकुर और माँ रामदुलारी के यहाँ 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर जिले के पितु झंझिया गाँव में इनका जन्म हुआ था। ये बचपन से ही जुझारू किस्म के व्यक्ति थे। सभी भारतीय सैन समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर सैन समाज का मान बढ़ाने पर आभार एवं धन्यवाद दिया। इस दौरान महेंद्र सिंह सैन, शिव कुमार सैन, जयपाल सुनील सैन, तुक्कीराम पूर्व प्रधान राकेश, नरेंद्र सिंह, हरीश बबली, सुरेश कुमार आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया फर्स्ट। आज कांति प्रसाद जी की धर्मशाला में जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाई जा रही है 100वीं, इसी के उपलक्ष्य में और बीजेपी के कुछ जैसे जिला अध्यक्ष और कुछ और गण बुलाए गए हैं, उन्हीं के उपलक्ष्य में ये कार्य। मेरा नाम अशोक कुमार महापुर समाज से हूँ। पूरे ठाकुर की जयंती मनाई गई सैन समाज द्वारा, भाजपा के महामंत्री पदाधिकारी आए, भाजपा का धन्यवाद, भाजपा पार्टी को नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दिया गया और जैन समाज प्रदेश सरकार से और भारत सरकार से ये मांग करता है कि जो पिछड़े वर्ग आयोग का रोहिणी आयोग गठित किया था उसकी रिपोर्ट, जस्टिस आयोग की रिपोर्ट आ गई है, उसको लागू किया जाए। जैन समाज मांग करता है और जैन समाज जननायक जी को भारत रत्न देने के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद। हर बार हम कर्पूरी जयंती मनाते हैं और हमारे जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जो रहे हैं, उन्होंने बहुत ईमानदार
बहुत मेहनत करके 1900 में इलेक्शन भी लड़ा उन्होंने और इलेक्शन बहुत अच्छे से जीते भी वो, और उनके जब भी वो इलेक्शन लड़ते थे उनके पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे भी नहीं थे, चंदे से वो इलेक्शन लड़ते थे और